हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं ऐसे ही बैठी हुई थी खाली, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं आपको एक अपना होम टूर कराती हूँ, अपना घर दिखाती हूँ कि मेरा घर कैसा है, कितना बड़ा है और कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो मैं आज आपको अपना घर दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो जो भी हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए, और मेरा अगर आपको घर पसंद आए तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको मेरा घर कैसे लगा। क्योंकि मेरा घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, मतलब दो ही कमरे हैं मेरे घर में, और किचन बाथरूम और जो भी गैलरी होती है इतना ही है। तो मैं आपको एक एक करके पूरा घर दिखाऊंगी, मतलब कौन सी जगह कैसी कहां पर है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो पे रहना, प्लीज़ पूरी वॉच करना, और प्लीज़ कोई भी गंदा कमेंट मत करना घर को लेके या जैसे भी है, क्योंकि हमारा घर है, भगवान ने, मैं तो अच्छी किस्मत मानती हूँ कि हमारा अपना घर है। क्योंकि दिल्ली में अपना घर होना बहुत मुश्किल होता है हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और जब मैं कुंवारी थी तो हमारे जो हम किराए पे रहते थे, बहुत बाद में अपना घर लिया था, यहाँ तक कि 15 साल तक मैंने हम किराए पे रहे हैं। और किराए पे रहना बहुत बड़ी झंझट होती है, उससे अच्छा तो अपना मकान हो, भले ही छोटा हो, छत होना बहुत ज़रूरी होता है सर पर। क्योंकि मकान मालिक तो ऐसे होते हैं कि टोका टाकी करते रहते हैं कि यहाँ पर झाड़ू कैसे रखा हुआ है, लाइट कैसे जल रही है, तुम्हारे घर में ये कौन आया है, ये रिश्तेदार वो रिश्तेदार नहीं आएंगे, इतने बजे तक एंट्री नहीं होगी, गेट बंद, ये वो, मतलब बहुत से जो लोग रहते होंगे तो उनको पता होगा कि किराए पर रहना कितना मुश्किल होता है फैमिली वालों के लिए। छड़े छपाड़े तो फिर भी रह लेते हैं लड़के लोग कि चलो कोई नहीं, उनको इतना कुछ नहीं, पर हम जैसी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है। और जब हम घर खाली करते हैं तो उसके बाद वो सामान सारा उठा के लोड करो, लेके जाओ दूसरे घर में, इन बिटवीन कुछ टूट भी जाता है बीच में हमारा कुछ सामान, जैसे फ्रिज हो गए, बेड हो गए, हमारे साथ हुआ है, समय से बता रही हूँ गाइस, क्योंकि हम रेंट पे रहते थे, काफ़ी सामान टूट जाता था वहाँ तक जाने तक, तो बहुत बुरा लगता था, ये भी नुकसान होता था। और तो कुल मिला के ये है कि अपना घर हो चाहे छोटा हो तो बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए और मेरा घर देखिए कि मेरा घर कैसा है, और कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करना, ठीक है? तो मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ, फुल वॉच करना प्लीज़, मैं आपको बार बार कह रही हूँ फुल वॉच करना। और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपना घर, ठीक है? एंट्री करते सार ही ये भगवान जी की फ़ोटो है, ये हमारा जो दरवाजा है वो, इधर भगवान जी की फ़ोटो लगी हुई है, गणेश भगवान की। सबसे पहले एंट्री करते सार गुड लक जो होता है, तो ये है मेरा कपड़े का स्टैंड, जो कि छोटे मोटे कपड़े होते हैं वो मैं यहाँ पर सुखा देती हूँ, जो भी छोटे मोटे होते हैं बच्चों के, जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं वो मैं यहाँ सुखा देती हूँ। और फिर जैसे ही हम अंदर घुसेंगे, उसके जो लेफ्ट साइड है मैं रहन देती हूँ, वो बाथरूम में पता नहीं दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो सबसे पहले वो ही आता है, मैं क्या करूँ, चलो मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है मेरा बाथरूम, आपने वीडियो में भी देखा होगा, मैं एक वीडियो में ये साफ़ कर रही थी। तो ये मेरा बाथरूम, और बाथरूम के एकदम राइट में है वॉश बेसिन है, और वॉश बेसिन के साथ है वॉशिंग मशीन, इसमें मैं कपड़े धोती हूँ हफ्ते में एक बार। तो ये भी देख, काफ़ी अच्छी मशीन है मेरी। और इसके साथ में है फ्रिज, ये मेरा फ्रिज है, देखिए इसमें अभी मलाई को रख रखा है, वो घी बनाऊंगी देसी। और इसके सामने है मेरा किचन, गाइस प्लीज़ कमेंट ठीक से करना अच्छे से, ये मेरा किचन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, देखिए छोटा सा ही है। और फ्रिज के साथ में था मेरी सिलाई मशीन है, क्योंकि मुझे सिलाई करना बहुत पसंद है। मैं जब कुंवारी थी तो मैंने सिलाई करना सीखा था, सूट सिलना सीखा था, तो मुझे सूट वगैरह सिलने सब आते हैं, और मैंने इसलिए ये सिलाई मशीन ली थी कि मैंने इसलिए सिलाई मशीन ली थी कि
दो पैसे हाथ में आएंगे तो थोड़ा सही रहेगा। मैं लोगों के सूट सिलूंगी, लोग मतलब थोड़ी मेरी हेल्प होएगी मेरा घर चलने में, क्योंकि इतनी महंगाई में एक से कोई काम नहीं चलता। तो मैंने सूट सिलने शुरू किए थे, तो मैं सूट सिलती थी पर मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि लोग जो जान पहचान के होते हैं वो लोग सिलवाते थे, अधिकतर सिलवाते थे और पैसे नहीं देते थे, तो बहुत बुरा लगता था। और सीधा ये बोल देते थे कि तेरी क्या लगी है, तेरी वो रील लगी है, बुकरम लगी है, वो हम दे देंगे। तो ये इससे मैं बहुत हर्ट होती थी, तो मैं इतनी शाई हूँ कि मैं पैसे भी नहीं मांगती थी, पर देखो जी दिल में तो ज़रूर लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो फिर भी नहीं दे रहे, तो मैंने छोड़ दिया। मेरे बीच बच्चे छोटे छोटे हैं, मैंने सोचा मैं उन पर ही ध्यान दूँ। तो सिलाई मशीन पर अभी मैं अपने कपड़े कपड़े जरूर सिल लेती हूँ, अपने सूट वगैरह जो हैं मैं सिलती हूँ। और कुरे होते से वैसे मैं ये काम कर रही हूँ, कुरे होते ठीक था, पैसे दे देते थे लोग बाग, वहाँ पर भी कुछ करते थे आना कानी पर, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो खर्चा पानी तो मम्मी डैडी ही करते थे, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जब जिम्मेदारी अपने सर पर आती है तो पता चलता है कि आटे दाल का भाव सब मालूम हो जाता है, तो फिर पैसों की जरूरत होती है तो हमें फिर बुरा लगने लग जाता है हर एक चीज़ का। तो मैंने छोड़ दिया गाइस, तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि मैंने वो सही किया कि नहीं छोड़ के, अब मैं नहीं करती हूँ। और आप कहोगे मांग लेते तो, सबका नहीं होता, मैं थोड़ी हूँ शाय टाइप की, जो अपने होते हैं मतलब जो आस पड़ोस है जो मेरे जानकार है, मैं सोचती हूँ खुद ही दे दे, बाकी लोग दे देते हैं, पर कई लोग जो हैं अधिकतर नहीं देते थे जो मेरे जानकार हैं, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैंने छोड़ ही दिया, मेरे को इतना गुस्सा आया। तो गुस्से सार सामने की ये गैलरी थी, ये देखिए इस तरीके से हैं, सामने आए फ्रिज है, फ्रिज के सामने क्या था किचन है, और सबसे पहले बाथरूम था वो मैंने आपको दिखा दिया, और ऐसे सीधा आके ये है मेरा रूम, ये देखिए ये यार बेडरूम को ड्राइंग रूम को सब यही है अभी तो फिलहाल। तो ये है, इसमें हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये हमारा रूम है, ये सोफा है, ये इधर बेड है, और ये अभी अभी न्यू लिया था टीवी, कुछ टाइम हुआ है न्यू लिया था, देखिए पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। इसमें वीडियोस वगैरह जो भी मेरे फ्रेंड्स की वीडियो होती है जिनको मैंने फ्रेंड बना रखा है, तो मैं इतनी बड़ी स्क्रीन पर देखती हूँ, मुझे उधर देखना अच्छा लगता है। और ये एसी भी लगा हुआ है, एसी है आपकी कृपा से, गर्मी बहुत है। और ये है मेरी बेटी की फ़ोटो, ये 2-2.5 महीने की थी उस वक्त, और अब देखो अब 5 साल की हो गई है, अभी तक रोटी नहीं खाई। देखो इसको एक रोटी खाने में 2 घंटे लगते हैं, तो 2 में इसको 4 लगते हैं, तो इसको मैंने 2 बजे की रोटी दे रखी थी, अब 4 बजे ही ख़त्म होगी। और इसे मेरा बेटा भी स्टडी कर रहा था। और गाइस ये मेरी वॉल है, तो मैंने ये वॉलपेपर अभी कुछ टाइम हुए लगवाया था, 4-5 महीने हुए हैं। तो आपको मेरा ये वॉलपेपर कैसा लगा प्लीज़ बताना। अभी इसमें लाइट नहीं, लाइट लगाती हूँ ऊपर, लाइट ख़राब है, नहीं तो आपको अच्छे से जला के दिखाती, ये बहुत अच्छा लगता है, शाइनिंग भी है इसमें। तो ये वॉलपेपर आजकल हर एक घर में चल ही रहा है, आप लोगों को तो पता ही होगा, अच्छे अच्छे लगे होंगे आप लोगों के घर, तो ये वॉलपेपर है। क्योंकि मुझे ना घर सजाने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा, मतलब घर का सामान लेने में इतना, अपना नहीं कि अपने से जुड़े सूट साड़ी या मेकअप, कुछ भी नहीं, मेरे को घर का सजाने का सामान का बहुत शौक है, और किचन से रिलेटेड भी, जैसे कांच के सामान होते हैं, बर्तन बर्तन, आप भी सोचोगे मैं पका रही हूँ। ये सामने है, ये बनवाया था उस टाइम जब नई नई शादी हुई थी, इसका भी बहुत शौक था मुझे क्योंकि अपने घर नहीं था। तो ये टीवी है मेरा, हमारा घर भी अपना हुआ था जब मेरे डैडी एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद जो उनकी गवर्नमेंट जॉब थी तो उनसे जो पैसा मिला था हमने उनसे अपना घर बनाया था। ज़रूर नहीं है हर गवर्नमेंट जॉब करने वाला बहुत अमीर हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये है मेरा सेकंड रूम जो गुस्तेसार है, मंदिर भगवान जी का, इधर हम पूजा करते हैं, पर अभी मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मीन्स मैं कर्टन नहीं हटा सकती, मुझे लग रहा है वो आराम कर रहे होंगे तो उनको नहीं छेड़ना चाहिए। और ये है मेरी बेटी की अलमारी, साथ में रखी हुई है बेटी की अलमारी, और ये है मेरे बेटी की अलमारी, और इसके साथ में ही है ये हमारी अलमारी, ये मैंने अभी अभी कुछ टाइम हुआ जब ही ली थी 35,000 के आसपास, इसको भी कुछ टाइम क्यों 1 साल होने ही वाला होगा। तो ये अलमारी है, बताइए आपको मेरी ये अलमारी भी कैसी लगी, देखिए खोल के दिखाऊं क्या, आप भी कहोगे डफर है सब कुछ, पता नहीं क्या क्या दिखा रही है, मुझे नहीं आता कि होम टूर कैसे दिखाते हैं, बट मैं दिखा रही हूँ अपना घर। और ये मेरा सोफ़ा कम बेड है, इस पर मैंने अभी रस्सी से कपड़े उतारे थे धुले हुए, क्योंकि वो
मतलब जो धो धो के जब हम कपड़े लाते हैं फोल्ड करने के लिए, वो अभी मैंने ऐसे ही रख दिए क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर हुई है लाई हूँ, तो मैं उसको अभी फोल्ड करूँगी थोड़ी देर में। आपका व्लॉग बनाने के बाद, अपना व्लॉग बनाने के बाद तो मैं इसको फोल्ड करूँगी। उसके बाद ये भगवान जी की, ये घोड़े की फ़ोटो है, भागते घोड़े की फ़ोटो लगाना कहते हैं घर में अच्छा होता है, सो इसलिए मैंने लगाई है। गाइस बताइए कैसी लगी आपको। और सामने ये वॉल है, तो ये रूम तो फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया, और मेरा हाथ भी दुख रहा है। ये देखिए अभी मेरा रूम, ये देखिए, ये दिखता नहीं है ना यार ढंग से, ठीक है दिख गया, छोटा रूम है। ये मंदिर है, तो गाइस प्लीज आप बताइए। मेरा घर खत्म हो गया, इतना ही है बस जो भी है आपको दिखा दिया। तो प्लीज गाइस आप जरूर बताएं कि आपको मेरा घर कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में बताना। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट जरूर करना और लाइक भी जरूर करना, ठीक है। और जिसने भी मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है उसको बहुत 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 धन्यवाद, दिल से धन्यवाद मैं करती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत अभी नए नए हमने ज्वाइन किया, तो हमें आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए, और बेल बटन को ज़रूर दबा देना जो भी न्यू है, ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना, ठीक है, बाय, टेक केयर।